हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरी फिर से एक नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मुदखेड़ जंक्शन से बासर के बीच के विद्युतीकरण की अपडेट। लेकिन उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाजू में ही बेल आइकन के घंटे को दबा दीजिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हमारी ट्रेन मुदखेड़ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकल चुकी थी। अभी हम आ गए थे मुदखेड़ जंक्शन के निजामबाद साइड आउटर पर और यहाँ पर फाइनली वायरिंग का काम शुरू हो गया है और काफ़ी जगहों पर वायरिंग का काम कंप्लीट भी हो गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 3 के बीच में जितने भी लूप लाइन है वहाँ पर वायरिंग का काम स्टार्ट हो गया है और काफ़ी सारा वायरिंग का काम भी आउटर तक कंप्लीट हुआ है। बस प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच में लूप लाइन पर अभी तक वायरिंग का काम शुरू नहीं हुआ है, तो वो भी जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात, मुदखेड़ जंक्शन पर काफ़ी तेज़ काम चल रहा है। तो अभी हम आगे देखेंगे वायरिंग का काम कहाँ कहाँ शुरू हुआ है और कहाँ कहाँ पोल्स लगाकर कंप्लीट कर दिए गए हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको पूरी अपडेट मिलने वाली है मुदखेड़ से बासर के बीच की। तो अभी हम आ गए थे मुदखेड़ जंक्शन के आउटर पर कुछ दूर पर, तो यहाँ पर भी पोल्स लगाकर कंप्लीट कर दिया गया है लेकिन अभी तक कुछ पोल्स को सेट नहीं किया गया है। बाकी सब पोल्स को सेट किया गया है और यहाँ पर वायरिंग का काम भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है मुदखेड़ जंक्शन के आउटर पर। तो अभी हमारी ट्रेन स्किप करने वाली थी सिवनगांव रेलवे स्टेशन को। तो हमने देखा कि सिवनगांव रेलवे स्टेशन पर फाइनली बड़े पोल्स लगाने का काम शुरू हो गया है और यहाँ पर अभी अभी काम शुरू हुआ है। पिछले टाइम हमने देखा था कि यहाँ पर पोल्स नहीं लगाए गए थे लेकिन इस बार यहाँ पर पोल्स लगाने का काम शुरू हो गया है, तो ये काम भी जल्दी से जल्दी कम्प्लीट होगा, फिर यहाँ पर वायरिंग का काम भी कम्प्लीट होगा। तो हमारी ट्रेन सिवनगांव रेलवे स्टेशन को भी स्किप करके निकल गई। सिवनगांव रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद अभी हमारी ट्रेन स्किप करने वाली थी सेवलगांव रेलवे स्टेशन को। तो हमने देखा कि सेवलगांव रेलवे स्टेशन पर 100% पोल्स लगाकर कंप्लीट कर दिए गए हैं और उन पोल्स पर ब्रैकेट भी लगाकर कंप्लीट कर दिया गया है लेकिन अभी तक यहाँ पर वायरिंग का काम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हमारी ट्रेन सेवलगांव रेलवे स्टेशन को भी स्किप करके निकल गई। सेवलगांव रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद अभी हमारी ट्रेन आ गई थी उमरी और सेवलगांव रेलवे स्टेशन के बीच में। तो यहाँ पर भी फाइनली पोल्स लगाकर कंप्लीट कर दिए गए हैं और उन पोल्स पर ब्रैकेट लगाने का काम भी शुरू हो गया है और यहाँ पर काफ़ी जो पोल्स पर कंप्लीट भी हो गया है। देखा जाए तो उमरी के आउटर से सेवलगांव के बीच में 100% पोल्स लगाकर कंप्लीट कर दिए गए हैं और उन पर ब्रैकेट भी लगाकर कंप्लीट कर दिया गया है लेकिन अभी तक उन पोल्स पर वायरिंग का काम शुरू नहीं हुआ है।
तो अभी हम आ गए थे उमरी रेलवे स्टेशन पर। तो हमने देखा कि उमरी रेलवे स्टेशन पर पिछले टाइम हमने जितना काम देखा था उतना ही काम हुआ है। यहाँ पर फाउंडेशन का काम तो 100% कम्प्लीट हो गया है, लेकिन यहाँ पर अभी तक पोल्स पूरे कम्प्लीट नहीं किए गए हैं, बस कुछ कुछ पोल्स लगाए गए हैं और बाकी का पोल्स का स्टॉक यहाँ पर लाकर रखा गया है, लेकिन उसको अभी तक लगाया नहीं गया है। तो जल्दी ही वो पोल्स का काम भी शुरू होगा और जल्दी ही यहाँ पर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कम्प्लीट होगा। तो हमारी ट्रेन उमरी रेलवे स्टेशन से भी निकल गई। तो अभी हमारी ट्रेन स्किप करने वाली थी भुलसा रेलवे स्टेशन को। तो हमने देखा कि भुलसा रेलवे स्टेशन पर 100% पोल्स का काम कंप्लीट हो गया है और उन पोल्स पर ब्रैकेट लगाकर भी कंप्लीट कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर अभी तक वायरिंग का काम शुरू नहीं हुआ है। दोस्तों देखा जाए तो मुठकेड़ जंक्शन से भुलसा रेलवे स्टेशन तक अभी तक वायरिंग का काम शुरू नहीं हुआ है और पोल्स का काम भी 80% काम कंप्लीट हो गया है मुठकेड़ से भुलसा रेलवे स्टेशन के बीच तक। तो हमारी ट्रेन भुलसा रेलवे स्टेशन को भी स्किप करके निकल गई। तो भुलसा रेलवे स्टेशन को स्किप करने के बाद अभी हमारी ट्रेन स्किप करने वाली थी करखेली रेलवे स्टेशन को। तो हमने देखा कि करखेली रेलवे स्टेशन पर 100% पोल्स का काम कंप्लीट हो गया है और ब्रैकेट भी 100% लगाकर कंप्लीट कर दिए गए हैं और भुलसा से करखेली रेलवे स्टेशन तक 100% पोल्स लगाकर कंप्लीट कर दिया गया है, लेकिन करखेली रेलवे स्टेशन पर अभी तक वायरिंग का काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ही यहाँ पर वायरिंग का काम शुरू होने जा रहा है। तो हमारी ट्रेन करखेली रेलवे स्टेशन को भी स्किप करके निकल गई। करखेली रेलवे स्टेशन को स्किप करने के बाद अभी हमारी ट्रेन स्किप करने वाली थी चिकना रेलवे स्टेशन को। तो यहाँ पर 100% वायरिंग का काम कंप्लीट हो गया है और करखेली के आउटर तक वायरिंग का काम आ चुका है, तो जल्द ही करखेली रेलवे स्टेशन पर भी वायरिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारी ट्रेन चिकना रेलवे स्टेशन को भी स्किप करके निकल गई। तो अभी हमारी ट्रेन स्किप करने वाली थी समराला रेलवे स्टेशन को। तो यहाँ पर भी 100% वायरिंग का काम कंप्लीट हो गया है और देखा जाए तो चिकना रेलवे स्टेशन से समराला रेलवे स्टेशन के बीच में भी 100% वायरिंग का काम कंप्लीट हो गया है, बस समराला रेलवे स्टेशन पर लास्ट स्टेज पर काम चल रहा है अभी, तो वो भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम आ गए थे धर्माबाद रेलवे स्टेशन के आउटर पर। तो यहाँ पर भी वायरिंग का काम कंप्लीट हो गया है और धर्माबाद के आउटर से समराला रेलवे स्टेशन के बीच तक वायरिंग का काम 100% कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम देखेंगे धर्माबाद रेलवे स्टेशन पर वायरिंग का काम कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा।
तो फाइनली हमारी ट्रेन धर्मावत रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी थी। तो हमने देखा कि धर्मावत रेलवे स्टेशन पर अभी तक वायरिंग का काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पर वायरिंग का काम चल रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। तो जल्दी ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी कम्प्लीट होगा और जल्दी ही यहाँ पर 100% वायरिंग का काम भी कम्प्लीट होगा। दोस्तों देखा जाए तो मुदखेड़ से करखेली रेलवे स्टेशन तक पोल्स का काम 80% कम्प्लीट हो गया है और करखेली के आउटर से धर्मावत के आउटर तक काम 100% कंप्लीट हो गया है। बस धर्माबाद रेलवे स्टेशन का काम अभी भी पेंडिंग में है जो कि चल रहा है, जल्दी वो भी 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारी ट्रेन धर्माबाद रेलवे स्टेशन से भी निकल गई। अभी हम आ गए थे धर्मवर रेलवे स्टेशन और बासर रेलवे स्टेशन के बीच में, तो यहाँ पर भी फाइनली वायरिंग का काम कंप्लीट हो गया है 100%। बस धर्माबाद रेलवे स्टेशन का पेंडिंग में काम है अभी। अभी हम इंटर कर रहे थे बासर रेलवे स्टेशन पर, तो यहाँ पर भी 100% वायरिंग का काम कंप्लीट हो गया है और बासर से धर्माबाद के आउटर तक 100% वायरिंग का काम कंप्लीट हो गया है। दोस्तों देखा जाए तो करखेली के आउटर से बासर तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो गया है वायरिंग का काम। बस धर्माबाद रेलवे स्टेशन अभी भी पेंडिंग में है, तो वो भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।